life from man's perspective by the students of none other than Class 2020. और अगर छोटी बहन हुई तो उसके साथ अपनी हर चीज शेयर करेंगे। हाँ बेटा, छोटा भाई हुआ बहन, तो दोनों के साथ खेलना और दोनों से खूब प्यार करना। हाँ हाँ मम्मा। अरे ओ करंजली, दो बार से तो तू छोरी में जन रही है, इस बार तो मैंने छोरा दे दे, हमारी आंखें तरस गई है छोरा देखने के लिए। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? हमने तो पहले की जाँच करवा लो, पर जा घर में मेरी सुनता ही कौन है। अरे माँ बस भी करो, कैसी बातें कर रही हो, आजकल लड़के लड़की में कौन फर्क करता है। साहब नहीं आ रहे। अरे डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अरे डॉक्टर तुझे सब छोड़, पहले मैंने ये बता कि छोरा हुआ है कि छोरी हुई है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। अरे बेटा लड़का हुआ लड़का, हमारे घर का चिराग आ गया। हाँ माँ हाँ, बधाई हो, मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ बेटा हाँ, जल्दी जाओ। हमारा छोरा खेलने में भी तेज, पढ़ाई में भी तेज, बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा हमारा छोरा। अरे नहीं माँ, इसे तो हम डॉक्टर भी बनाएंगे। हाँ कलेक्टर ही। इसकी क्या आप दोनों, अभी तो वो छोटा बच्चा है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है। देखो वीर को लग गई। अरे क्या हो गया तुम्हें, कहाँ चोट लग गई, दिखाओ मुझे। अरे क्या तू छोरी की तरह रोए जा रहा है, मारा छोरा है और छोरे कभी रोते ना, छोरे कभी रोते ना है। Boys don't cry. अरे देखो कैसी लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़के भी कभी रोते हैं भला। क्यों मैं रो नहीं सकता, पत्थर का दिल समझते हो मेरा, कभी इसमें भी झांक के तो देखो, कुछ कहता नहीं हूं मैं और रोने तुम नहीं देते हो, मेरे मुस्कुराते नवाब को कभी हटा कर तो देखो। सब कैसे करूं इसका मुझे ज्ञान नहीं।
तुम्हारी
साबित हुआ कि वीर बेगुनाह था, पर अब क्या फायदा इस फैसले का? दुनिया भर की बदनामी से भागकर मौत के आगोश में समाया वीर को अपनी फैसला वापस तो नहीं ला सकता। आखिर कैसा समाज बनाना चाहता है? जो समाज लड़कों को लड़कियों से ऊपर मानता है, वही समाज क्यों उन्हीं लड़कों को अपने जज्बातों को रोककर बयां कर देने पर कायर मानता है? क्या हमारे परिवार की ढाल बनने वालों की इन्हीं जज्बातों की कोई अहमियत नहीं?